हाय फ्रेंड्स स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में सो so फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम क्या होता है ये देखिए पहला पॉइंट है इसमें द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज़ थ्री डी फाइव फोर एस वन ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्रोमियम का ये होता है थ्री डी फाइव फोर एस वन ये देखिए दूसरा पॉइंट है इट एग्जिबिट्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विज जीरो टू सिक्स ये एग्जिबिट्स करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से छ तक होता है ये देखिए थर्ड पॉइंट है द ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आकर्स इन दर्बोनाइल कंपाउंड्स एग्जाम्पल क्रोमियम ब्रैकेट के अंदर सी होल सिक्स ये जो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होता है और इसका एग्जाम्पल है क्रोमियम ब्रैकेट के अंदर सी होल सिक्स दीज आर कोडिनेशन कंपाउंड इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर आर डोनेटेड बाई द सीओ ग्रुप ये जो कॉर्डिनेशन कंपाउंड है ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर डोनेट करता है सीओ ग्रुप के द्वारा द मेटल इलेक्ट्रॉन्स डेमसेल फ्रीमैन अनचेंज एंड हैंस ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेड टू बी ज़ीरो ये जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये देम सेल्फ रिमेन अनचेंज होता है एंड हैंस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेड टू बी ज़ीरो होता है ये देखिए फोर पॉइंट है द स्टेबल एंड इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आर प्लस टू प्लस थ्री एंड प्लस सिक्स ये जो इंपॉर्टेंट एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का वो होता है प्लस टू प्लस थ्री एंड प्लस सिक्स दिज एराइजेज फ्राम द ट्रांसफेरेंस और शेयरिंग ऑफ वन और मोर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स एज वेल ये एराइजेज होता है फ्रॉम ट्रांसफेरेंस और शेयरिंग ऑफ वन और मोर डी इलेक्ट्रॉन्स ये देखिए फाइव पॉइंट है द प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ क्रोमियम ये जो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है क्रोमियम का दिस स्टेट ऑल्सो फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और ये जो स्टेट्स है ये ऑल्सो फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का ये देखिए सिक्स पॉइंट है द प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली स्टेबल इन एसिड सॉल्यूशन बट इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड रेडियली टू प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन अल्कली सॉल्यूशन ये जो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हाईली स्टेबल होता है इन एसिड सॉल्यूशन में लेकिन ये जब ऑक्सीडाइज हो जाता है रेडियली तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस सिक्स होता है अल्कली सॉल्यूशन में तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं ये देखिए सेवन पॉइंट है कंपाउंड्स इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम कंपाउंड्स सच एज क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स ये जो कंपाउंड्स में प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है ये प्रिपेयर्ड होता है रिडक्शन क्रोमियम कंपाउंड के द्वारा सच एज अ कंपाउंड्स होता है क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स ये देखिए एट पॉइंट है क्रोमियम सॉल्ट्स डिज़ोल्व इन वाटर टू गिव वॉयलेट सॉल्यूशन ये जो क्रोमियम सॉल्ट है ये डिजोल्व होता है वाटर में तो ये देता है वॉयलेट सॉल्यूशन द वॉलेट कलर इज़ ड्यू टू हाइड्रेट क्रोमियम आयन ब्रैकेट के अंदर सी आर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एच टू ओ होल सिक्स ब्रैकेट क्लोज ऊपर में थ्री प्लस ये जो वॉयलेट कलर है ये ड्यू टू हाइड्रेट क्रोमियम आयन का होता है और इसका फॉर्मूला है ब्रैकेट के अंदर सी आर क्रोमियम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एच टू ओ होल सिक्स ब्रैकेट क्लोज ऊपर में थ्री प्लस चार दिस इज ए हाईली स्टेबल आयन एंड कैन बी एक्सपोज टू एयर विदाउट अंडर गोइंग एनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये हाईली स्टेबल आयन होता है एंड कैन इसको एक्सपोज कर सकते हैं एयर से विदाउट एनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ये देखिए नाइन पॉइंट है द सोलूशन ऑफ क्रोमियम आयन इज स्लाइटली एसिडिक ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ये जो सोल्यूशन है क्रोमियम आयन का ये स्लाइडली एसिडिक अकाउंट होता है हाइड्रोलिसिस का ये देखिए टेन पॉइंट है वेन ए बेस इज़ एडेड टू एन ऑफ सोलूशन कंटेनिंग क्रोमियम आयन्स ए डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रेटेड क्रोमियम हाइड्रोक्साइड क्रोमियम ब्रैकेट के अंदर ओ एच होल थ्री एक्स एच टू ओ इज ऑप्टेंड। जब हम लोग बेस को एड करते हैं क्रोमियम आयंस के सॉल्यूशन में तो ये कंटेन करता है ग्रीन प्रेसिपिटेट को और इसी डी ग्रीन प्रेसिपिटेट से हाइड्रेटेड क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड ऑप्टेंड होता है इसका फॉर्मूला है क्रोमियम ब्रैकेट के अंदर ओ एच होल थ्री एक्स एच टू ओ देखिए इलेवेंथ पॉइंट है दिस पी पी टी इज डिजोल्व्ड वेन एक्सेस ऑफ द बेस इज एडेड गिविंग ए डीप ग्रीन सोल्यूशन विच इज कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ क्रोमाइट आयन ये जो पी पी टी है ये डिजोल्व होता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बेस को ऐड करते हैं तो ये देता है डीप ग्रीन सॉल्यूशन विच इज ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्रोमाइट आयन का तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सभी के लिए थैंक यू